लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें खिजर स्टूडियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप की ऐसी ट्रिक जो आपको पहले नहीं पता होगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपको वीडियो की समझ आ सके। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके फ्रेंड या आपके चाहने वाले आपके फैमिली मेम्बर आपको आपके यानी कि व्हाट्सएप पे इमोजी वगैरह सेंड करते हैं, यानी कि कोई हार्ट का सेंड करता है, कोई सैड का सेंड करता है, कोई एंग्री का सेंड करता है या कोई किसी का कुकीज का सेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप यानी कि उसको देखने के लिए, उस इमोजी को देखने के लिए आपको उनके चैट में जाना पड़ता है। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप उस इमोजी को यानी कि जो भी आपको रिएक्शन सेंड करते हैं इमोजी वाला, उसको आप अपने स्क्रीन पर कैसे शो कर सकते हैं। यानी कि उसको आप अपने स्क्रीन पर यानी कि आपको कोई इमोजी सेंड करे तो आपको वो स्क्रीन पर रिएक्शन उसका नज़र आए, यानी कि स्क्रीन पर बना हुआ है आपके सामने फ्रंट पे कि आप कौन सा इमोजी सेंड कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जिसका नाम है नोटिफाई स्टिकर। तो चलिए इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसका लोक आप देख सकते हैं इस तरह का लोक है, ठीक है ना। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इतनी बड़ी एप्लीकेशन, ये जस्ट 3 MB या 4 MB की एप्लीकेशन है, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। इससे आपको मोबाइल हैंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आपने इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ओपन कर लेना है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम जस्ट ओपन करते हैं। तो ये थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से इसकी जो इंस्टॉलिंग स्लो हो रही है। तो इंस्टॉल हो चुकी है, तो जस्ट इसको आपने ओपन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जब इंस्टॉल हो जाएगी आपके मोबाइल में, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप मोबाइल की सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में आपको अपने इसको यहाँ भी इनेबल कर लेना है, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देना है और आपने बैक चले जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद आपने दोस्तों आपके सामने बहुत सी इमोजी शो हो रहे हैं, जैसे कि आपको सैड का मिल रहा है, हार्ट का मिल रहा है, लव का मिल रहा है। तो आपने यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे इमोजी आपके स्क्रीन पर शो हों तो आप सबको इनेबल कर दें। अगर आप चाहते हैं जो आपकी इमोजी आपको शो ना हो तो उसको आपने यहाँ से डिसेबल कर देना है, यहाँ से इस ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ सब मुझे शो हो, तो मैंने सबको इनेबल कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों, आप ब्लस के आइकन पे क्लिक करके आप बहुत सी दूसरे फीचर से जान सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके, ठीक है। तो इस पर 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं सेटिंग वगैरह में, ठीक है। लेकिन आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने आपका काम फ्रंट पे है, आपने बस इनको इनेबल करना है और बस हेल्प के ऊपर इनेबल करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी को छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज कमाल की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और सब लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल खैर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।